हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राधा और मेरे चैनल का नाम है राधा योगेश महावर। तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी परफेक्ट खीर कैसे बनाते हैं। तो देखते जाइए दोस्तों, इसके लिए हमें दूध चाहिएगा, कुछ ड्राई फ्रूट हैं, अगर हो आपके पास तो डालिए वरना स्किप भी कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने कुछ किशमिश लिए हैं, 4 से 5 6 5 6 हमने बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और 2 छोटी इलायची लिए हैं, और हमने चावल लिए हैं जो हमने भिगो कर रख दिए थे, जो हमने धुल कर रख दिए हैं। तो हम दोस्तों अब खीर बनाना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं हम खीर कैसे बनाते हैं। दोस्तों, हमने दूध को गैस पर रख दिया है गर्म करने के लिए। इसमें उबाल आने देंगे, फिर हम इसमें चावल डालेंगे। तो दोस्तों, हमारा दूध गर्म हो रहा है, तब तक हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इनमें से हम थोड़े से चावल लेके मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे। देखो दोस्तों, खीर के चावल में से हमने थोड़े से चावल हमने पीस के रख लिए हैं, इससे ही बनेगी हमारी परफेक्ट खीर। देखिए दोस्तों, हमारा दूध उबल गया है, अब हम इसमें चावल डालेंगे। और इसे अच्छे से चावलों को उबलने देंगे। देखो दोस्तों, हमारी खीर बन चुकी है, बट ये पतली है अभी। चावल देखो गल चुके हैं बिल्कुल, ये पतली है, इसलिए हमें से इसमें परफेक्ट बनाने के लिए जो हमने पेस्ट पीसा था ना चावल का, वो डालेंगे। देखो दोस्तों, अब हम इसमें ये पेस्ट को डालेंगे और हमारी खीर एकदम से परफेक्ट हो जाएगी। कुछ देर हम इसे पकने देंगे, फिर हमारी खीर बिल्कुल से तैयार हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, हमारी खीर परफेक्ट हो गई है, बिल्कुल बन चुकी है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे चीनी, तो आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। मैं अपने स्वाद के अनुसार डाली, मुझे ज़्यादा मीठा पसंद है इसलिए मैंने इतनी चीनी डाली है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों, हमारी खीर बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें तड़के की तैयारी करेंगे, हम इसमें लगाएंगे तड़का इसका स्वाद बढ़ाने के लिए। तो देखो, एक पैन में हमने घी गर्म करने के लिए रख दिया है और ये गरम हो चुका है। इसमें हम डालेंगे अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे उनको। तो सबसे पहले हम डालेंगे काजू, फिर हमने जो बादाम लिए थे उनको हमने थोड़ा सा कूट लिया था तो उन्हें भी डाल देंगे। और तो हमने 2 हरी इलायची ली थी छोटी वाली, उनको हमने पीस के रख लिया है, तो हम उनको भी डालेंगे और साथ ही साथ अपनी किशमिश को भी डाल लेंगे। तो हम इसे अच्छे से तड़कने देंगे। देखो दोस्तों, हमारा ड्राई फ्रूट तड़क गए हैं और हमें इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हो गई हमारी तड़के वाली खीर बनकर तैयार। तो दोस्तों बताओ, मेरी खीर कैसी लग रही है तड़के वाली? दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें कि मेरी खीर कैसी बनी है। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राधा और मेरे चैनल का नाम है राधा योगेश महावर। तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी परफेक्ट खीर कैसे बनाते हैं। तो देखते जाइए दोस्तों, इसके लिए हमें दूध चाहिएगा, कुछ ड्राई फ्रूट हैं, अगर हो आपके पास तो डालिए वरना स्किप भी कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने कुछ किशमिश लिए हैं, 4 से 5 6 5 6 हमने बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और 2 छोटी इलायची लिए हैं, और हमने चावल लिए हैं जो हमने भिगो कर
रख दिए थे जो हमने धुल कर रख दिए हैं। तो हम दोस्तों अब खीर बनाना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं हम खीर कैसे बनाते हैं। दोस्तों हमने दूध को गैस पर रख दिया है गर्म करने के लिए। इसमें उबाल आने देंगे, फिर हम इसमें चावल डालेंगे। तो दोस्तों हमारा दूध गर्म हो रहा है, तब तक हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इनमें से हम थोड़े से चावल लेके मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे। देखो दोस्तों खीर के चावल में से हमने थोड़े से चावल हमने पीस के रख लिए हैं, इससे ही बनेगी हमारी परफेक्ट खीर। देखिए दोस्तों हमारा दूध उबल गया है, अब हम इसमें चावल डालेंगे। और इसे अच्छे से चावलों को उबलने देंगे। देखो दोस्तों हमारी खीर बन चुकी है, बट ये पतली है अभी। चावल देखो गल चुके हैं बिल्कुल, ये पतली है, इसलिए हमें से इसमें परफेक्ट बनाने के लिए जो हमने पेस्ट पीसा था ना चावल का, वो डालेंगे। देखो दोस्तों अब हम इसमें ये पेस्ट को डालेंगे और हमारी खीर एकदम से परफेक्ट हो जाएगी। कुछ देर हम इसे पकने देंगे, फिर हमारी खीर बिल्कुल से तैयार हो जाएगी। तो देखो दोस्तों हमारी खीर परफेक्ट हो गई है, बिल्कुल बन चुकी है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे चीनी, तो आप अपनी स्वाद के अनुसार डालिएगा। मैं अपने स्वाद के अनुसार डाली, मुझे ज़्यादा मीठा पसंद है इसलिए मैंने इतनी चीनी डाली है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों हमारी खीर बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें तड़के की तैयारी करेंगे। हम इसमें लगाएंगे तड़का इसका स्वाद बढ़ाने के लिए। तो देखो एक पैन में हमने घी गरम करने के लिए रख दिया है और ये गरम हो चुका है। इसमें हम डालेंगे अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे उनको। तो सबसे पहले हम डालेंगे काजू, फिर हमने जो बादाम लिए थे उनको हमने थोड़ा सा कूट लिया था तो उन्हें भी डाल देंगे। और जो हमने दो हरी इलायची ली थी छोटी वाली, उनको हमने पीस के रख लिया है तो हम उनको भी डालेंगे, और साथ ही साथ अपनी किशमिश को भी डाल लेंगे। तो हम इसे अच्छे से पकने देंगे। देखो दोस्तों हमारा ड्राई फ्रूट तड़क गए हैं, और हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हो गई हमारी तड़के वाली खीर बनकर तैयार। तो दोस्तों बताओ मेरी खीर कैसी लग रही है तड़के वाली। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें कि मेरी खीर कैसी बनी है। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राधा और मेरे चैनल का नाम है राधा योगेश महावर। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी परफेक्ट खीर कैसे बनाते हैं, तो देखते जाइए। दोस्तों इसके लिए हमें दूध चाहिएगा, कुछ ड्राई फ्रूट हैं अगर हो आपके पास तो डालिए, वरना स्किप भी कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने कुछ किशमिश लिए हैं, चार से पाँच, पाँच हमने बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और दो छोटी इलायची लिए हैं, और हमने चावल लिए हैं जो हमने भिगोकर रख दिए थे, जो हमने धुलकर रख दिए हैं। तो हम दोस्तों अब खीर बनाना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं हम खीर कैसे बनाते हैं। दोस्तों हमने दूध को गैस पर रख दिया है गर्म करने के लिए। इसमें उबाल आने देंगे, फिर हम इसमें चावल डालेंगे। तो दोस्तों हमारा दूध गर्म हो रहा है, तब तक हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इनमें से हम थोड़े से चावल लेके मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे। देखो दोस्तों खीर के चावल में से हमने थोड़े से चावल हमने पीस के रख लिए हैं, इससे ही बनेगी हमारी परफेक्ट खीर।
देखिए दोस्तों हमारा दूध उबल गया है, अब हम इसमें चावल डालेंगे। और ऐसे अच्छे से चावलों को उबलने देंगे। देखो दोस्तों हमारी खीर बन चुकी है, बट ये पतली है अभी, चावल देखो गल चुके हैं बिल्कुल, ये पतली है, इसलिए हमें से इसमें परफेक्ट बनाने के लिए जो हमने पेस्ट पीसा था ना चावल का, वो डालेंगे। देखो दोस्तों अब हम इसमें ये पेस्ट को डालेंगे और हमारी खीर एकदम से परफेक्ट हो जाएगी। कुछ देर हम इसे पकने देंगे, फिर हमारी खीर बिल्कुल से तैयार हो जाएगी। तो देखो दोस्तों हमारी खीर परफेक्ट हो गई है, बिल्कुल बन चुकी है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे चीनी, तो आप अपनी स्वाद के अनुसार डालिएगा, मैं अपने स्वाद के अनुसार डाली, मुझे ज़्यादा मीठा पसंद है इसलिए मैंने इतनी चीनी डाली है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों हमारी खीर बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, अब हम इसमें तड़के की तैयारी करेंगे। हम इसमें लगाएंगे तड़का इसका स्वाद बढ़ाने के लिए। तो देखो एक पैन में हमने घी गरम करने के लिए रख दिया है और ये गरम हो चुका है। इसमें हम डालेंगे अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे उनको। तो सबसे पहले हम डालेंगे काजू, फिर हमने जो बादाम लिए थे उनको हमने थोड़ा सा कूट लिया था तो उन्हें भी डाल देंगे, और जो हमने दो हरी इलायची ली थी छोटी वाली उनको हमने पीस के रख लिया है तो हम उनको भी डालेंगे, और साथ ही साथ अपनी किशमिश को भी डाल लेंगे। तो हम इसे अच्छे से तड़कने देंगे। देखो दोस्तों हमारा ड्राई फ्रूट तड़क गए हैं, और हमें इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हो गई हमारी तड़के वाली खीर बनकर तैयार। तो दोस्तों बताओ मेरी खीर कैसी लग रही है तड़के वाली। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें कि मेरी खीर कैसी बनी है। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।